एल एन मस्क हाउ द बिल्नियर सीओ ऑ ऑफ स्पेस एक्स एंड टेस्ला इज शेपिंग के ओनर और सीईओ एलन मस्क से जब एक ट्विटर यूजर ने पूछा कि क्या इंडिया में भी स्टारलिंक इंटरनेट आने वाला है तो उनका रिप्लाई था रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद होपफुली मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर व्हाट इज स्टारलिंक इंटरनेट दोस्तों स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है जिसे स्पेस एक्स ने बनाया है इससे लोगों को सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा इस कॉन्स्टलेशन में हजारों सेटेलाइट लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में ग्राउंड ट्रांस रिसीवर के साथ एक कॉम्बिनेशन में काम करती है स्टार लिंक हमें हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा वो भी उन रिमोट एरियाज में जहां अब तक कनेक्टिविटी लिमिटेड है या फिर अवेलेबल ही नहीं है स्पेस एक्स का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिससे एयरप्लेन और शिप्स में भी इंटरनेट सर्विस को अवेलेबल करवाया जा सकता है 100 बिलियन डॉलर इस प्रोजेक्ट का टोटल एक्सपेंडिचर है हालांकि किसी के पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है जो हमें इसके रेवेन्यू के बारे में क्लियरली और प्रिसाइसली बता सके बट एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग स्पेस एक्स का पर ईयर रिवेन्यू थर्टी बिलियन डॉलर होने वाला है जो कि इसके रॉकेट लॉन्च बिजनेस के कंपेरिटिव बहुत ज्यादा है ऐसा माना जा रहा है कि स्पेस के स्टार से आने वाले रिवेन्यू से फ्यूचर में मार्स प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिलेगी स्पेस के सीनियर सर्टिफिकेशन इंजीनियर केट टाइस की माने तो इनिशियली रिजल्ट ग्रेट रहे हैं और 100 एमबीपीएस से ज्यादा की डाउनलोड स्पीड अचीव की गई है स्पेस एक्स फादर ऑफ स्टारलिंक हाउ स्पेस एक्स स्टार्टेड हिस्ट्री ऑफ स्पेस जून 2002 में मस्क ने एल सिगान्डो लॉस एंजलिस के वन थ्री ईस्ट ग्रैंड एवेन्यू में एक पुराने वेयर हाउस में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की जिसे बाद में स्पेस एक्स के नाम से पॉपुलर होना था डेवलपमेंट ऑफ 1999-2002। पेपल के एक पुराने इन्वेस्टर केविन हर्ट्स बताते हैं पेपल की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए सब लोग वीकेंड पर हार्ड रॉक कैफे में गैदर हुए थे तब हमने देखा कि एलन एक मैनुअल रीड कर रहे थे जो किसी सोवियत रॉकेट का था पेपर छोड़ने के बाद उसने इसे एक बिजनेस के बारे में सोचा उधर बहुत कम कंपटीशन हो स्पेस का बिजनेस उसके लिए लेस कंपटीशन वाला बिजनेस था चलो हम स्पेस एक्स का डेज के बारे में डिस्कस करेंगे एलन नेट में स्पेस के बारे में रिसर्च करने लगे और स्पेस के बारे में बुक्स पढ़ने लगे उन्होंने स्लोली स्पेस कम्युनिटी के साथ कनेक्शंस बनाने शुरू कर दिए मार्स सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जो मार्स को एक्सप्लोर करने का काम करती थी मार्स सोसाइटी के हेड रॉबर्ट जुबरीन ने फंड रेस करने का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया पर एलन मस्क ने जब फाइव तो मस्क, मस्क, है अगली बार मार्स सोसाइटी ने उन्हें डिनर पार्टी में बुलाया और डिनर पर एलन ने सोसाइटी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन और नासा साइंटिस्ट कैरोल स्टॉकर से थोड़ी देर डिस्कशन की इस डिस्कशन के बाद उन्होंने रिसर्च के लिए लाख डॉलर का डोनेशन दिया और सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड हो गए वो जान गए थे कि आगे वो स्पेस या सोलर फील्ड में काम करेंगे पर उन्हें नहीं पता था ऐसा करने पर प्रॉफिट कैसे अर्न किया जा सकता है स्पेस को एक्सप्लोर करना उन्हें हमेशा से फैसिनेटेड लगता था अब तक एलन अपने डिस्कशन और क्यूरोसिटी के कारण स्पेस इंडस्ट्री में एक स्ट्रांग नेटवर्क बना चुके थे अपने स्पेस आइडिया और एक माइस यानी चूहे को मार्स पर भेजने का प्लान को लेकर वो एक ब्रॉड डिस्कशन चाहते थे यह डिस्कशन तब तक बहुत फ्रूटफुल रही जब तक पूरे प्रोजेक्ट के एक्सपेंडिचर पर बात नहीं आई प्लान था कि क्यों ना वर्ल्ड में इस सब्जेक्ट को लेकर एक क्रिएट की जाए एलन ने मार्स सोसाइटी से रिजाइन कर दिया और अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन द लाइफ ऑफ मार्स फाउंडेशन बनाई दोस्तों 2001 में हुई इस सेशन में टैलेंटेड लोगों की इस गैदरिंग में नासा की जेट पॉपुलेशन लैब के भी कुछ लोग आए और उनके साथ माइकल ग्रिफेन जैसे स्कॉलर भी थे

वो था एक्सपेंडिचर जितना एलन ट्वेंटी डॉलर से थर्टी मिलियन डॉलर के बजट के साथ चल रहे थे और इस अमाउंट से सिर्फ रॉकेट ही लॉन्च किया जा सकता था डेव बियर्डन जो स्पेस इंडस्ट्री के वेटरन थे उनका ओपिनियन था कि 200 मिलियन डॉलर के बजट के साथ ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है बियर्डन के ओपिनियन एलन के लिए रियलिटी चेक थे उन्होंने कहा प्लांट को देखने के लिए विंडो रखने से थर्मल प्रॉब्लम क्रिएट होगी और स्ट्रक्चर को वॉर्म नहीं रखा जा सकता जो मार्स पर रखने की बात की जा रही है उसके नीचे जो सरफेस है उसके कारण कुछ ग्रो करना एलन ने रशिया जाने का डिसीजन लिया क्योंकि वो बॉलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की कॉस्ट पता करना चाहते थे जो कि लॉन्च वाहकल का, का काम करेगी इसके लिए मस्क ने जिम की हेल्प लेना ठीक समझा इनिशियली फोन कॉल के बाद मस्क और जिम ने रशिया से रॉकेट परचेस करने का डिसीजन लिया अक्टूबर 2001 में मस्क जिम थाउजेंड और अपने एक कॉलेज फ्रेंड के साथ रशिया गए अगले महीनों में तीन बड़ी मीटिंग हुई रशियन कंपनीज लाइक एनपीओ लेव चिकन और कॉस्मोट्रास जैसी कमर्शियल रॉकेट लॉन्चर से टॉक्स चलती रही रशियन जहां एट मिलियन डॉलर में एक रॉकेट देना चाहता था वहीं मस्क एट मिलियन डॉलर में दो रॉकेट लेना चाहते थे फेबर टू टू में वो रशिया एयरपोर्ट पर वापस जा रहे थे बिना किसी डील के मस्क के लिए ये बड़ा डिस्टर्बिंग था क्योंकि उन्हें लगता था कि रशिया ही है जो उनके बजट में फिट हो सकता है पर ऐसा नहीं हुआ एयरपोर्ट की तरफ ज्यादा टाइम कार में बिल्कुल साइलेंस था मस्क अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहे थे इतने में ही मस्क ने कहा आई थिंक वी कैन बिल्ड दिस रॉकेट आर्सेल्स केंट्रल और ग्रिफिन के डिसअपॉइंटेड फेसेस को देखकर एलन समझ गए कि वो उन पर बिलीव नहीं कर रहे हैं उन्होंने कहा आई एम सीरियस आई हैव दिस स्प्रेडशीट इतना कहते ही उन्होंने अपना लैपटॉप केंटल के सामने रख दिया जिसे रीड करने के बाद ने मस्क से कहा कि आपको यह सब कहा मिला मस्क महीनों से एरोस्पेस इंडस्ट्री और इसके रिगार्डिंग फिजिक्स की स्टडी कर रहे थे मस्क लोगों के लिए स्पेस को एक्सप्लोर करना इजी और चीप बनाना चाहते थे दोस्तों अगर मस्क चाहते तो दूसरों की तरह हंड्रेड मिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ एक माइस यानी चूहे को स्पेस भेज देते पर उन्होंने खुद रॉकेट बनाने का डिसीजन लिया जो कि ज्यादा डेंजरस था और जिसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा थे फिर भी मस्क को अपने सक्सेसफुल होने के चांसेस इंक्रीज होते लगने लगे थे जब उन्होंने टॉम म्यूलर के साथ काम करने का डिसीजन लिया दोस्तों टॉम म्यूलर अपने चाइल्डहुड से ही साइंस और इन्वेंशन में इंटरेस्टेड थे एज अ प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर उन्होंने ह्यूजेस एयरक्राफ्ट कंपनी के साथ काम किया था जो कि रॉकेट तो नहीं था पर सैटेलाइट के रिगार्डिंग था फिर वो टीआरडब्ल्यू स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक में सर्व करने के लिए चले गए 1943 के बने रिएक्शन रिसर्च सोसाइटी के ग्रुप में वो एक्टिव रहे ये ग्रुप रॉकेट को बिल्ड और फायर करने से रिलेटेड रिसर्च करता था एरोस्पेस कंपनी से रिटायर्ड जॉन ग्रेवी के वर्कशॉप में मस्क ने म्यूलर के डिजाइन देखे इसके बाद मस्क और म्यूलर एक दूसरे से मिले और उनकी लंबी डिस्कशन हुई म्यूलर को मस्क जेन्युइनली रॉकेट में इंटरेस्टेड लगे और दोनों ने डिसाइड किया वो रॉकेट बिल्ड के कॉस्ट को लिमिटेड रखने के लिए ऐसे रॉकेट नहीं बिल्ड करेंगे जो बड़े सैटेलाइट भेजते हों जैसे कि बोइंग और रशियन लॉन्च करते हैं इसी बीच एक इंसिडेंट ये हुआ कि मस्क की कंपनी पेपल के शेयर में 55 फाइव परसेंट का शूटअप हुआ मस्क को यह भी पता था कि ईबे उनकी कंपनी को खरीदना चाहता है मस्क की नेटवर्थ टेन्स ऑफ मिलियन से इंक्रीज होकर हंड्रेड ऑफ मिलियंस हो गई 2002 में मस्क ने सेंट्रल म्यूलर ग्रीफाइन और बोइंग के एरोस्पेस इंजीनियर क्रिस थॉमसन के सामने एक कंपनी स्टार्ट करने का ऑफर प्रेजेंट किया ग्रेफाइन और केंट्रल ने ज्वाइन नहीं किया ग्रेफाइन ईस्ट कोस्ट में आना चाहते थे और केंट्रल को यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा रिस्की लगा जून 2002 में मस्क ने एल सीगान्डो लॉस एंजलिस के 1310 थ्री वन जीरो ईस्ट ग्रैंड एवेन्यू में एक पुराने वेयर हाउस में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की जिसे बाद में स्पेस एक्स के नाम से पॉपुलर होना था कंपनी में आने वाले पहले कुछ एम्प्लॉय को बताया गया कंपनी का ऑब्जेक्टिव था एक बेटर और चीपर इंजन प्रिपेयर करके वेल well असेंबल करना जिससे रॉकेट फास्टर और चीपर हो सके मोबाइल लॉन्च टाइप इंजन प्रिपेयर करना भी विजन का हिस्सा था जिससे कि रॉकेट हॉरिजेंटली से वर्टिकल पोजीशन में भी जा सके और वेरियस साइट पर रीच करने की कैपेसिटी भी स्टेब्लिश कर सके स्पेस एक्स का मॉडर्नाइज सेट के साथ रॉकेट प्रिपेयर करना अमेरिका में पहली बार हो रहा था मस्क ने डिक्लेयर किया स्पेस एक्स के पहले रॉकेट का नाम फेल्कन वन होगा उस टाइम पर जब फाइव के पे लोड के लिए सेंडिंग कॉस्ट थर्टी मिलियन डॉलर थी मस्क ने डिक्लेयर किया कि 1, 1,400 पाउंड के लिए 6.9 मिलियन का प्राइस सेट करेगा ये एक एक्स्ट्रॉडनरी क्लेम था मस्क के कई और क्लेम भी एक्स्ट्रॉर्डनरी थे उन्होंने कहा कि मई 2003 को पहला इंजन प्रिपेयर होगा और जून को दूसरा लॉन्च पैड सितंबर में प्रिपेयर होगा और नवंबर में पहला रॉकेट लॉन्च हो जाएगा

और स्मॉलर सैटेलाइट के फेवर में था जो सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकनफिगर हो जाए और एक डिस्पोजेबल सेटेलाइट की तरह काम करे वहीं कुछ लोग ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए मस्क की एबिलिटी और एक्सपीरियंस को डाउट कर रहे थे पर जनरल पेटे का कहना था कि मस्क एक विजनरी है जो रॉकेट टेक्नोलॉजी को समझते हैं मिलिट्री की तरह साइंटिस्ट कम्युनिटी भी मस्क के इस एक्सपेरिमेंट को लेकर एक्साइटेड थी ताकि वो स्पेस में चीप और क्विक एक्सेस अर्न कर सके और उनके लिए रेगुलर बेस पर डाटा कलेक्ट करना ईजी हो जाए कुछ मेडिसिन कंपनियां भी ये जान लेना चाहती थी कि उनके ड्रग्स का असर एक स्पेसिफिक ग्रेविटी पर कितना चेंज होता है 1957 से लेकर 1966 तक अमेरिका में 400 रॉकेट्स लॉन्च हुए और उनमें से 100 रॉकेट्स क्रैश्ड हो गए म्यूलर का कहना था कि वो ये प्रोजेक्ट बिना किसी गवर्नमेंट असिस्टेंस के कर रहे थे तो इसलिए लोगों को उन पर बिलीव नहीं हो रहा था दोस्तों इस बीच मस्क पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउंस चलते रहे उनके लिए ग्रेट न्यूज ये थी कि उनकी कंपनी पेबल को ईबे ने 1.5 बिलियन डॉलर में खरीद लिया इससे मस्क को 100 मिलियन डॉलर का अमाउंट मिला जो वो स्पेस एक्स पर स्पेंड कर सकते थे इस अमाउंट से उनके वर्कर्स की कुछ साल की सैलरी सिक्योर हो गई दूसरी तरफ मस्क की वाइफ ने उनके बेटे निवाडा को जन्म दिया जिसकी 10 वीक के होने के बाद डेथ हो गई मस्क ने डिसाइड किया कि वो निवाडा की डेथ के बारे में अभी बात नहीं करेंगे पर निवाडा की डेथ के बाद मस्क ने अपने आपको पूरी तरह से एक्स में लगा दिया और कंपनी के गोल्स को एक्सपेंड करने में लगे रहे एयरोस्पेस कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुई मस्क की कन्वर्सेशन फ्रूटफुल नहीं रही मस्क को लगा वो ज्यादा मनी चार्ज करने के बाद भी बहुत स्लो मैनर में काम कर रहे थे तो मस्क ने कंपनी की वेबसाइट पर अनाउंस किया कि वो प्राइवेटली एंटायर रॉकेट को ग्राउंड अप से बिल्ड करेंगे बोथ इंजन टर्बोपम्प क्रायोजेनिक दोस्तों बेडरूम में भी एक फोन कॉल के थ्रू रिक्रूट कर लेते थे माइकल कॉलोनल जैसे न्यू रिक्रूट को कई बार ऐसी कॉल्स प्रैंक लगती थी म्यूलर के बनाए टू इंजन कैस्ट्रो और मेरलाइन में से कई बार मेरलाइन जरूरत से ज्यादा वाइब्रेट होता या न्यू मटेरियल के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता कई बार फ्यूल और पेशेंस के साथ काम करते अपने इंजन के लिए परफेक्ट कूलिंग चेंबर सर्च करते हुए मस्क के इंजीनियर्स ने दो चेम्बर्स को टेस्ट किया पर वो अनसक्सेसफुल हो गए तब मस्क ने थर्ड टेस्ट करने को कहा तो सब हैरान रह गए थर्ड टेस्ट में भी थर्ड चेंबर को भी ब्रेकडाउन हो गया तो कुछ इंजीनियर्स की हेल्प से मस्क उस इंजन को खुद कैलिफोर्निया ले आए फ्लोर पर रखकर इपोक्सी के साथ चेंबर को फिल करने लगे म्यूलर बताते हैं कि मस्क ने इटालियन शू पहन रखे थे पर वो अपने आउटफिट या हैंड्स को डर्टी होने को लेकर कभी परेशान नहीं हुए ये सारे इंसिडेंट उनके प्रोडक्टिव प्रोसेस का पार्ट थे अर्ली टू टू में वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से स्पेस एक्स ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने का अनाउंस किया

उन्होंने कहा कि मस्क एक फियरसम नेगोशिएटर है जो थिंग्स को पर्सनली लेते हैं स्पेसएक्स के एम्प्लॉइज थ्रिल रहते थे कई बार उन्हें बुरा लगता था जब प्रेस में मस्क कहते थे कि फाल्कन रॉकेट में मोर और लेस सारा कंट्रीब्यूशन उनका ही है दोस्तों 2004 में म्यूलर के बनाए हुए इंजन सबसे एफिशिएंट निकले इसका मीनिंग ये था कि म्यूलर अब रिलैक्स कर सकते थे और अब पैनिक करने की बारी दूसरों की है रॉकेट का ओवरऑल मैनेजमेंट नाइटमेयर था

इंजीनियर्स ने एक मेजर प्रॉब्लम डिटेक्ट की लॉक्स 500 हंड्रेड गैलन पर आवर बर्न कर रहा था जो कि अनयूजल था लॉन्च से पहले रॉकेट अपना बहुत सारा फ्यूल बॉइल कर चुका था लॉक्स की री मंगवाई गई दिसंबर में एक और अटैम्प्ट की तैयारी हुई लेकिन फिर कोई माल फंक्शन के कारण लॉन्च अटैम्प्ट नहीं किया गया फाइनली 24 मार्च 2006 को फेल्कन वन लॉन्च पैड से इग्नाइट हुआ बट 25 फाइव सेकेंड में ही मर्लिन इंजन में खराबी हुई और रॉकेट क्रैश कर गया मस्क ने स्टेटमेंट दिया वी आर गोइंग टू मेक दिस वर्क मस्क अगले छह महीनों में रॉकेट को दोबारा लॉन्च करना चाहते थे पर यह एक डिफिकल्ट टास्क था और ठीक एक साल बाद मार्च 15, 2007 को स्पेस एक्स अगले लॉन्च के लिए रेडी था और यह एक सक्सेसफुल लॉन्च था तो इस तरह से स्पेस एक्स एस्टेब्लिश हुआ दोस्तों एलन मस्क ने कई बार मार्स में लाइफ को एक रियलिटी बनाने की बात कही है चाहे एक्स डॉट कॉम और पेपल हो चाहे स्टार लिंक ये उनके लिए ह्यूमन लाइफ को मार्स में ले जाने वाले फाइनेंशियल रिसोर्स की तरह है हाउ स्पेस एक्स अचीविंग स्टार मिशन में रिसेंटली सिक्सटी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जो ऑर्बिट में पहले से अवेलेबल 650 फिफ्टी सैटेलाइट को ज्वाइन करेंगी स्पेस एक्स अपने स्टार लिंक प्रोजेक्ट में 12,000 थाउजेंड सैटेलाइट लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है जो लोअर ऑर्बिट में अवेलेबल होंगी और उनका पर्पज सिर्फ ब्रॉडबैंड कवरेज होगा दोस्तों अगर हम स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉप्स एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है 2002 में एलन मस्क ने इस कंपनी को बनाया था इसका प्राइम फोकस स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को रिड्यूस करना था क्योंकि स्पेस खुद एक रॉकेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है तो उसके लिए सेटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाना दूसरे इंटरनेट ऑपरेटर के कम्पेरेटिव एक इजी प्रोसेस होगा और क्योंकि ये नो वाइड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है तो ये ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी से बहुत चीप होगा दोस्तों स्टारलिंग लो लो लेटेंसी लेटेंसी पर फोकस करता है है का मतलब है कि सिग्नल को कितना कम टाइम लगता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लो लेटेंसी आपको हाई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करवाती है इसलिए सैटेलाइट को स्पेस में लो एल्टीट्यूड पर प्लेस किया गया है ऐसा करने से लेटेंसी लो होगी क्योंकि जितने कम डिस्टेंस से सिग्नल आएंगे उतनी जल्दी वो सिग्नल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा स्टारिंग अपनी लेटेंसी को ट्वेंटी माइल कर रहा है ये फाइबर ऑप्टिकल ब्रांड से बहुत फास्ट है क्योंकि स्टार के पास बड़ी बैंडविथ नहीं है तो शायद ये हाई डेंसिटी एरियाज में ऑपरेट नहीं कर पाएगा बट जहां तक रिमोट एरियाज की बात है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है स्टार्लिंग आस्क इंडियन गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल स्पेस एक्स ने इंडियन गवर्नमेंट को यह सजेस्ट किया है कि वो अपनी पॉलिसीज को अपडेट करके सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को इंडिया में परमिट करे स्पेस एक्स में स्टार को इंडिया में लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है अपनी पॉलिसीज को अपडेट करने की रिकमेंडेशन स्पेस एक्स ने कंसल्टेशन पेपर की रिप्लाई में दिया है दोस्तों कंसल्टेशन पेपर यूजुअली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई तब पुट आउट करता है जब वो किसी से रिप्लाई डिमांड करता है इन कंसल्टेशन में स्टार लिंक ने कुछ रिकमेंडेशन दिए उनमें कुछ सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन ये है नंबर वन जो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी एलोकेट है उन फ्रिक्वेंसी को सैटेलाइट सर्विस में यूज करने के लिए असाइन किया जाए नंबर टू टेक्नोलॉजी नेचुरल ब्रॉडबैंड डेफिनेशन को इनकरेज किया जाए जिनसे सैटेलाइट सर्विस फॉर्मली एग्जिट कर सके नंबर थ्री ब्लैंकेट लाइसेंस टूल और बैंड स्प्लिटिंग मॉडल की भी डिमांड की गई जिनसे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स इंडिया में स्पेक्ट्रम शेयर कर सके नंबर फोर अन इंटेंडेड फीस टैक्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन के बाद एंड यूजर तक रीच होने वाले ब्रॉडबैंड के प्राइस बहुत इंक्रीज हो सकते हैं तो गवर्नमेंट इन फीसिस और टैक्सेस को रिकंसिडर करे नंबर फाइव मैक्सिमम स्पेक्ट्रम इफिशंसी को प्रमोट किया जाए अ ट्रीट फॉर इंडियन इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज और नॉट दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज के लिए इंडिया एक ह्यूज मार्केट है और कोई भी फॉरेन कंपनी के लिए ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है स्टार के इंडिया में आने से ऑलरेडी स्टेबलिश ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर कंपनीज को डेफिनेटली एक कॉम्पिटिशन फेस करना होगा इंडिया में प्रेजेंटली अप्रॉक्सिमेटली सिक्स मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं स्टार लिंक के थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाने का काम करेगी क्योंकि स्टार रॉकेट से सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाता है तो ये उनके लिए बेस्ट है क्योंकि वो रॉकेट को ओन करते हैं और रॉकेट रियूजेबल होते हैं तो इस तरह से स्पेसएक्स अपने लॉन्च के कॉस्ट को बहुत लो रख सकता है जो दूसरे ऑपरेटर्स के लिए मुश्किल होगा जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं ब्रिटिश स्टार्टअप वनवेब एक ऐसा ही कंपटीटर था पर वो अनसक्सेसफुल रहा अब amazon का एक प्रोजेक्ट क्यूपर इस तरह की कोशिश कर रहा है कि वो लोगों को स्पेस से हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सके अमेजोन के अकॉर्डिंग उसके पास अप्रूवल है कि वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बना सके फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एफ ने फाइव जीरो के वोट से अमेजोन के इस क्यूपर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है अमेजोन टेन बिलियन डॉलर की कैपिटल को इन्वेस्ट करके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिससे वो सैटेलाइट लॉन्च कर सके कुछ न्यूज रिपोर्ट की माने तो ये सिर्फ अब स्पेस एक्स या एमेजॉन का ही नहीं बल्कि फेसबुक बोइंग एप्सेट्रा कई कंपनीज के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो सैटेलाइट के थ्रू कंज्यूमर को इंटरनेट प्रोवाइड करवाए पर स्पेस एक्स के स्टार्टिंग प्रोजेक्ट की स्पीड एक्सेप्शनल है और जब इतने सारे इंटरनेशनल कंपनीज इस तरह से इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगी तो कोई हैरान होने वाली बात नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ट्राई और इसरो को अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करने पड़े और इन इंटरनेट प्रोवाइड करवाने वाली इंटरनेशनल स्पेस प्लेयर्स को अलाउ करना पड़े इंडिया में ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनी जैसे एयरटेल या जियो अपनी ब्रॉडबैंड को एक्सपेंड कर रहे हैं उनके लिए ये क्लियरली एक स्ट्रांग मैसेज की तरह है कि वो किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते पर एक फैक्ट किसी को नहीं बोलना चाहिए दोस्तों कि स्टार का ये प्रोजेक्ट मोबाइल्स पर अवेलेबल नहीं है इसका प्राइमली मोटिव ब्रॉडबैंड अवेलेबल करवाना है जिसके लिए पिज़्ज़ा बॉक्स साइज के एंटीना की जरूरत होगी एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि तो 5G स्टार्टिंग से ज्यादा इफिशियंट और फ्लेक्सीबल है तो रिमोट एरिया या रूरल एरिया को छोड़ दे तो स्टार्टलिंग के लिए फाइव से कम्पीट करना मुश्किल होगा बट दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लास्ट मंथ इसरो के ड्राफ्ट स्पेस कॉम पॉलिसी में बताए गए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के लिए बेटर होगा अगर वो फॉरेन कंपनीज के सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड को इंडिया मार्केट में आने से बैन कर दे पर ट्राई ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के बारे में अपनी अप्रोच को सीरियसली रिकंसिडर कर रहा है और ऐसी किसी चीप और इफिशियंट न्यू टेक्नोलॉजी को वेलकम करने के बारे में सोच रहा है इसरो फॉरन सेटेलाइट के ब्रॉडबैंड को बैन करने की बात करता है और ट्राई कुछ न्यू ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है तो गवर्नमेंट के लिए ये एक चैलेंज है कि क्या वो किसी डोमेस्टिक प्लेयर को ऐसा करने के लिए कह सकते हैं कि वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवाने का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट परस्यू करे थैंक यू डू सब्सक्राइब आवर चैनल